भैया ऐसे अंकुरण के लिए रखे 36 घंटे हो गए हैं, अब देखना है कि इसमें कितने बीज में अंकुरण आए हैं। अब क्या करेंगे भैया? भैया अब यहाँ जो अच्छे अंकुरण आए हैं उनको अलग कर लेंगे, और जो अंकुरण नहीं आए हैं उनको अलग कर लेंगे, और अलग करके अंकुरण वाले बीज को भी गिन लेना है और जो अंकुरण नहीं आए हैं उनको भी गिनना है। तो ये हमारा अच्छे से अंकुरित बीज है भैया, ये बिना अंकुरण वाले बीज है, मतलब खराब बीज है। 100 में से हमारे 90 बीज अच्छे अंकुरित आए हैं, अच्छा, और 100 में से 10 बीज अंकुरित नहीं आए हैं। अच्छा, तो हमें ये पता चल जाता है भैया कि 90 में से 90% बीज अच्छे जमेंगे और 10% बीज खराब हो जाए। यह हमारे 10% बीज अंकुरण नहीं आए हैं। हाँ भैया, तो मान लीजिए कि हम जहाँ 1 एकड़ में 50 किलो डाल बीज डालते थे, वहाँ हम 5% बढ़ा देंगे, तो मतलब 55% हो जाएगा फिर बीज डाल देंगे। 100 में से 10 बीज अंकुरित नहीं हुए हैं। हाँ भैया, तो मान लीजिए जैसे हम 1 एकड़ में 50 किलो बीज डाल रहे हैं, तो जैसे 10 बीज अंकुरित नहीं आए हैं, तो हम 10% बढ़ा देंगे उसमें, मतलब हम 55% 55 किलो भैया अब यूज़ करेंगे। हाँ, इससे हमारा समय बचेगा और फसल भी अच्छी आएगी। अच्छा, और फिर दोबारा बीज भी नहीं डालना पड़ेगा फिर। अच्छा भैया, फसल भी बराबर आएगी। हाँ, फसल भी बराबर आएगी। अच्छा, परीक्षण करने से हमें क्या लाभ होता है भैया? परीक्षण करने से ये लाभ है कि स्वास्थ्य बीज भी है, बीज है, और फसल भी अच्छी होगा। अच्छा, और अनाज भी अच्छी देगा। अच्छा भैया, और भैया जैसे हमारे गांव किसान हैं, अच्छा, तो कई बार ज़्यादा बीज डाल देते हैं, अच्छा, तो उसमें खराब बीज भी रहते हैं, तो हम इसलिए स्वास्थ्य बीज खेत में डालते हैं। अच्छा, तो फसल भी अच्छी देता है। अच्छा, और पेड़ भी अच्छी रहता है। भैया, और किसान भाइयों को आप क्या संदेश देंगे? और किसान भाइयों को यही संदेश देता हूँ कि इस तरीके से बीज परीक्षण करें और खेती करें और लाभ कमाएं। भैया, बीज परीक्षण की इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी, उसके लिए भैया धन्यवाद आपका, इतना समय भी दिया। ठीक है, राम।